और राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पहले ही ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है, क्योंकि देखिए ये प्रावधान है, अगर 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2 साल की राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप ऐसे में राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ साथ अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तो राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक की सजा हो तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, ऐसे में क्या भविष्य देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, एक तरफ तो जहाँ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस की जो तमाम लीडरशिप थी उनकी तरफ से आपात बैठक बुलाई गई, लगातार प्रदर्शन किया गया, संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, कई बड़े कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो मुश्किलें हैं कांग्रेस की बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही। जो राहुल गांधी की सदस्यता वो निरस्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो अदालत का फैसला आया था 23 तारीख को, जो अदालत का जो फैसला आया था जिसमें राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, उस फैसले के आधार पर जो राहुल गांधी की सदस्यता है उसको निरस्त किया जाता है। जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है लोकसभा सचिवालय उस तरफ से जारी कर दिया जाता है। और कहें कि राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी वायनाड लोकसभा से सांसद थे, जो वायनाड लोकसभा की अगर बात करें वो केरल में है, केरल राज्य की वायनाड लोकसभा थी, वहां से राहुल गांधी सांसद थे। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश आया था उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की सदस्यता है उसको निरस्त करने को लेकर जो ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अनिल मोर, राहुल ने 10 साल पहले जो अध्यादेश फाड़ा था अब वही उनकी फांस बनता नजर आ रहा है। अगर सजा उनकी नहीं रुकती है, अगर हाईकोर्ट में वो अपील करते हैं तो क्या बचाव हो सकता है? देखिए, क्योंकि जो फैसला हुआ है, क्योंकि जो अदालत की तरफ से जो फैसला आया था, अदालत की तरफ से राहुल गांधी को 30 दिन का समय दे गया, 30 दिन के अंदर वो जो ऊपरी अदालत है, ऊपरी अदालत में वो जा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कानूनी पेचीदगियां काफी रहने वाली है। देखना ये होगा कि उस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अदालत में जाते हैं और ऊपरी अदालत से क्या उनको राहत मिलती है, क्योंकि अब जो सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऊपरी अदालत से उनको क्या राहत मिलती है, हाईकोर्ट उनको क्या राहत देती है, उसी के आधार पर फिर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की सदस्यता है ये फैसला उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि जो राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई थी अदालत की तरफ से, हालांकि उनको रिलीफ मिल गया था, जमानत को मिल गई थी, लेकिन जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो आदेश नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो उनकी जो सदस्यता है उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, अब कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जो अब राहुल गांधी का जो एक तरीके से सांसद के तौर पर जो भविष्य है फिलहाल, वो जो ऊपरी अदालत की तरफ से उनको क्या राहत मिलती है, हाईकोर्ट से उनको क्या राहत मिलती है, क्या अदालत जो क्योंकि जो निचली जिला अदालत का जो फैसला था, अगर हाईकोर्ट उस फैसले को होल्ड करती है उसके आधार पर वो निर्भर करेगा। अब देखना ये होगा कि अदालती लड़ाई है वो कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से लड़ी जाती है। बिल्कुल अनिल, और अगर यहाँ से बच निकलते हैं राहुल गांधी तो ऐसे और 4 केस हैं जो इस समय राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। कई केस ऐसे चल रहे हैं जैसे कि आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाना, इस पर भी राहुल पर केस दर्ज है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं आने वाले दिनों में वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो तो बड़ी ही चुकी है, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको सजा सुनाई गई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से आज लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन लग नहीं रहा कि जो प्रदर्शन थे कांग्रेस के वो कांग्रेस के काम आएंगे, क्योंकि जो संसद जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से बकायदा जो नोटिफिकेशन है, जो आदेश है वो जारी भी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए अनिल, क्योंकि देखिए 1 साल का कार्यकाल बचा था लोकसभा का राहुल गांधी का, अब ऐसे में सदस्यता रद्द हुई तो देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है?
देखिए बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और कांग्रेस बिल्कुल साफ संकेत दे चुकी है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नजर नहीं आएगी और कल राहुल गांधी ने भी इस बात के साफ तौर पर संकेत दे दिए थे। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुलाने की पूरी कोशिश करेगी और कहना कि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्कुल वो कहना की भ्रष्टाचार को लेकर अनिल आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ एमडी खान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए राहुल गांधी के मामले में जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, अब ऐसे में क्या सदस्यता बचाने के विकल्प उनके पास कुछ रहते हैं? यस यस एग्जैक्टली एक्चुअली अभी अमेंडमेंट हुआ है ये जी। उससे पहले तो क्या था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील तो उसकी सदस्यता बरकरार रहती थी, लेकिन अब इनके लिए इनको स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा इस ऑर्डर को स्टे कराने के लिए। अभी इनके पास ऑप्शन है, इनको हाई कोर्ट जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उसके बाद पहले जो कंसर्न इनका वो है, पहले इनको वहाँ हाई कोर्ट जाना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। मतलब इनको जब तक इनका अपील पेंडिंग है जब तक के लिए इनको स्टे के लिए कोर्ट में जाना होगा। पहले ऑटोमेटिक ही सदस्यता कंटिन्यूअसली चली जाती थी। बिल्कुल देखिए एक आजम खान जी का भी मामला था, वो भी उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। जब उनकी सदस्यता रद्द हुई थी 2 साल से ज्यादा सजा के मामले में, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन जब तक निपटारा नहीं हुआ तब तक उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर पूरी तरह से जो कार्यवाही है वो अमल में लाई जा चुकी थी। हाँ तो वो लेट हो चुके थे, लेकिन इनके पास अभी टाइम है तो ये जाएंगे, तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट केस के डिफरेंट वो इशू होते हैं, तो उन्होंने आगे तक वो आए भी नहीं। अभी इनके पास कोर्ट के दरवाजे वैसे खुले हुए हैं, आयोग की इनको शायद कोर्ट से राहत मिल जाए। बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर ऐसे और 4 केस हैं, चाहे बात साल 2014 में राहुल ने जब भिवंडी में भाषण के दौरान आरएसएस पर महात्मा गांधी के हत्या का आरोप लगाया था, गुवाहाटी में भी राहुल ने कहा था कि वैष्णव मठ बरपेटा जो 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था, तो ऐसे ये जो 4 मामले हैं क्या इनके मद्देनजर राहुल गांधी की जो परेशानी है वो और भी बढ़ सकती है? नहीं वो डिफरेंट थिंग है, उनमें नहीं करी, लेकिन इस अब कर दी। अब जब उस टाइम इनकी वो तो अब राज्यसभा जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उन्होंने उस टाइम वो चीज संज्ञान में नहीं ली, लेकिन अब उन्होंने इसको सीरियस ले लिया है, तो वो अब ये देखते हैं कि किस ग्राउंड पे मेंबरशिप जो इनकी है वो कैंसिल की है, जो जिनको डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया है वो तो ऑर्डर देखना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के आसार कितने नजर आ रहे हैं फिलहाल? एक्चुअली ये है ना कि अभी तो इनके पास हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, वो आसार तो क्या है, वो तो एक जो पटिशनर है वो 100% रिलीफ की उम्मीद करता है, जो रिस्पोंडेंट है 100% है वो भी रिलीफ की उम्मीद करता है, ये तो डिपेंड करता है कोर्ट का नजरिया क्या है। बिल्कुल शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी को आपने दर्शकों तक पहुंचाया, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये लेटर भी आप देख सकते हैं जो 30 दिन की सस्पेंड मिली है राहुल गांधी को। अब देखिए राहुल गांधी के पास अगर कानूनी विकल्प की बात करें तो सूरत कोर्ट ने जमानत दी है, अपील को 30 दिन का समय दिया है, इस दौरान उन्हें गुजरात हाईकोर्ट में अपील कर सजा पर रोक लगाने की मांग करनी होगी।